हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। तो कोरोना के बढ़ते केस और लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है। इसके तहत हरियाणा में 18 से 59 साल के लोगों को मुफ्त बूस्टर डोज लगाई जाएगी। इसके लिए पूरे हरियाणा में किसी भी सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी से 250 रुपए की बूस्टर डोज मुफ्त प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लगभग 300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसे सरकार की ओर से कोविड राहत कोष से वहन किया जाएगा। वहीं बल्लभगढ़ पलवल समेत प्रदेश के जिन जिलों में अवैध रूप से खनन का कारोबार पनप रहा है, उसको लेकर अब अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। ये कहना है हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा का, जिन्होंने एसटीवी हरियाणा न्यूज से बातचीत में कहा कि जिन अधिकारियों के क्षेत्र में अवैध खनन होगा, उन अधिकारियों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। रेती का जो अवैध रूप से खनन हो रहा है, उसको लेकर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। पलवल में भी अभी मामला एक सामने आया है और इसको लेकर हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा, इनसे हम जान लेते हैं। मंत्री जी, लगातार चोरी के मामले सामने आ रहे हैं खनन के, तो इनको लेकर क्या कुछ लगाम लगाई जाए? नहीं, पलवल में हमें दर्जनों FIR दर्ज किए, उनके ट्रकों को NG टीम बंद किया है और कई बार पुलिस की रेड भी हमने लगाई है। हमने IG रेवाड़ी की अध्यक्षता में भी एक टीम गठित करी थी, उससे यमुना के जो गांव है वहाँ पे कई बार छापे लगवाए हैं। और मेरा ये कहना, मैंने SP पलवल से कहा है कि यमुना के साथ साथ जो अवैध खनन का, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, सख्ती से उनसे निपटे, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ट्रकों को बंद करें, JCB बंद करें। क्या कुछ आदेश आपकी तरफ से दिए गए हैं? नहीं, मेरी तरफ से नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तरफ से है कि इस तरह से कोई अवैध माइनिंग कहीं करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और ऐसे लोगों के उनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई। प्रकृति है और अगर इस तरीके से नष्ट करेंगे तो उसको लेकर भी सबकी जिम्मेदारी? नहीं, जहाँ प्रकृति की बात है, प्रकृति सबकी दायित्व है और प्रकृति सबकी जिम्मेदारी है। जिस इलाके में फॉरेस्ट है या माइनिंग नहीं होती या माइनिंग की परमिशन नहीं है, वो प्रकृति के रखरखाव में, अगर कोई परमिशन मिल जाए तो ठीक है, उसके उसके नॉर्म्स पूरे हैं, पर किसी को अधिकार नहीं है प्रकृति के साथ और नदी और यमुना के साथ जो जो इसमें है उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये हमारी रक्षा करती हैं, इससे हमें लाभ मिलता है, इसकी सब सबको इसकी रक्षा करना चाहिए। जो ऐसे लोग हैं बाज नहीं आ रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? नहीं, मुझे पता है, उनके कई बार हमने मुकदमे दर्ज कराए हैं और मुझे पता है जहाँ पलवल में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये चोरी छिपके पुलिस जाती है, पत्थर बरसाते हैं, ट्रक को लूट लेते हैं, JCB लेके भाग जाते हैं। मुझे पता है वो गांव है दो एक, पर मैंने SP को कहा पूरी फोर्स लेके जाइए और पूरी फोर्स के साथ ताकत साथ वजह कार्रवाई करना। तो कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ कार्रवाई करनी है और किसी भी कीमत पर ये अवैध रूप से जो काम होता है उसको नहीं चलने दिया जाएगा। इसको लेकर सख्त कदम और सख्त दिशा निर्देश मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से दिए गए हैं। देखना होगा कि आखिर कब तक ऐसे लोगों पर लगाम लग पाएगी। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। और वहीं हरियाणा कांग्रेस में बीते कई दिनों से प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर जंग छिड़ी हुई है। इस बीच कांग्रेस हाईकमान के हर कदम पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। आलाकमान प्रदेश के नेताओं के नब्ज टटोल रहा है ताकि कोई ऐसा फॉर्मूला सेट किया जा सके कि साख भी बची रहे, पार्टी को मजबूती भी मिल सके, क्योंकि पार्टी ऐसे दौर से गुजर रही है कि किसी एक पक्ष की नाराजगी भी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। चौबीस पर कांग्रेस की नजर, क्या काम आएगी बदलाव की डगर? बदलाव से मिलेगी मजबूती या बिखर जाएगी कांग्रेस? कौन होगा कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष? हरियाणा कांग्रेस में जल्द ही बड़ा बदलाव होने की संभावना है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और हरियाणा में अपनी धाक रखने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दबाव की राजनीति काम करती दिखाई दे रही है।
शनिवार को हुड्डा के मन की बात जानने के लिए आला कमान की तरफ से तीन नेता अंबिका सोनी, ए के एंथनी और केसी वेणुगोपाल ने रकाबगंज पार्टी मुख्यालय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात को लेकर पार्टी नेताओं की तरफ से कोई औपचारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने अड़ियल रवैये से साफ कर चुके हैं कि राज्य की जनता के बीच उनके नेतृत्व का संदेश देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के पद पर अपने किसी समर्थक को बिठाना चाहते हैं। हाईकमान पर हुड्डा के दबाव को समझना हो तो हरियाणा में कांग्रेस विधायकों की स्थिति पर नजर डालिए। हरियाणा में कांग्रेस के 31 विधायक हैं। भूपेंद्र हुड्डा समेत 25 विधायक एक साथ हैं। चार विधायक कुमारी शैलजा के साथ हैं। दो विधायक गुटबाजी से इतर गिने जाते हैं। इस बीच चर्चा है कि कुलदीप बिश्नोई खुद को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाने की हालत सियासी कदम उठा सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चल रही हलचल ने कांग्रेस की हाईकमान की चुनौतियों को बढ़ा दिया है। कांग्रेस हाईकमान की चुनौती, जमीन से जुड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कुमारी शैलजा कांग्रेस आला कमान के काफी करीब मानी जाती है। गैर जाट वोटर को लुभाने के लिए संगठन में बड़े पद पर किसी गैर जाट नेता का होना, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस किस नतीजे पर पहुंचेगी, इसे लेकर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। वहीं राजनीतिक गलियारों में चल रही अटकलों को देखें तो कांग्रेस हाईकमान पार्टी के बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देकर समन्वय बना सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देना, कुमारी शैलजा को राज्यसभा का सांसद बनाना, कुलदीप बिश्नोई को विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी, पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन का हाल कांग्रेस देख चुकी है। ऐसे में हरियाणा को लेकर कांग्रेस कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। हालांकि ये तो भविष्य के गर्भ में है कि हरियाणा कांग्रेस को ताकत देने के लिए कांग्रेस आला कमान क्या कदम उठाती है। हरियाणा न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा में बिजली की कमी के चलते फरीदाबाद वर्कशॉप के मालिकों को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बता दें कि लगातार पावर कट के चलते वर्कशॉप में तमाम तरह की चीजों के उत्पादन में कमी आई है। वहीं कंपनियां भी वर्कशॉप के ऑर्डर रद्द कर रही हैं। वर्कशॉप के मालिकों ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सर, बिजली की समस्या के बारे में पूछो मत, दिन भर बिजली रहती नहीं है। अगर आती है, एक घंटा आती है तो फिर एक घंटे का कट लग जाता है। सारी प्रोडक्शन पूरी डाउन हुई पड़ी है, बहुत समस्या आ रही है। प्रभाव तो ऐसा है जी कि सुबह दो घंटे कट जाती है, फिर दोपहर में कट जाती है, लेबर बैठी जा रही है। इस टाइम हमारा तो नुकसान हो रहा है, नुकसान काफी हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पर डे का हो रहा है, हज़ार रुपये नुकसान हो रहा है पर डे, हज़ार का। और हमारा क्या, हर कंपनी का हो रहा है जी। तो एक और हरियाणा में बिजली संकट से लोग परेशान हैं तो दूसरी ओर फारूक नगर इलाके में बिजली कर्मी से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल ट्यूबवेल कनेक्शन काटने के बाद खंडेवाल के रहने वाले बलराम नामक युवक ने बिजली ऑफिस में घुसकर एएलएम कुलदीप के साथ जमकर मारपीट की। हालांकि बिजली विभाग की ओर से आरोपी बलराम के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन आरोपी युवक को गिरफ्तार नहीं किए जाने और बिजली कर्मी के साथ मारपीट करने के विरोध में बिजली कर्मचारी संघ धरने पर बैठ गए हैं और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। यार उसको पकड़ नहीं सकते क्या? ऐसा शेर हो गया क्या? इतने आदमी हो गए।
बता दें कि फारुख नगर की ये घटना है और पैसा ऐसी चीज है जिसके लिए लालच की कीमत कभी न कभी कहीं ना कहीं चुकानी पड़ती है। ऐसे ही लालच में फंसे गुजरात में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर को विजिलेंस टीम ने 2 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। दरअसल रोहतक रेंज की विजिलेंस टीम को शिकायत मिली थी कि गुजरात राजपिपला नर्मदा में तैनात थाना प्रभारी फरीदाबाद के रहने वाले शख्स से किसी केस के एवज में 3 लाख की डिमांड कर रहा था, जिसमें 1 लाख रुपए उसने पीड़ित से राजपिपला थाने गुजरात में ही ले लिए थे, जबकि 2 लाख लेने के लिए फ्लाइट से गुरुग्राम आया था, जहां विजिलेंस टीम ने 2 लाख की रिश्वत लेते इंस्पेक्टर को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। ये इंस्पेक्टर जगदीश है, जो कि एसएचओ है, राजपिपला पुलिस स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट नर्मदा गुजरात में। तो वहाँ पे इसके पास एक FIR रजिस्टर्ड है, जिसमें बिरसा मुंडा एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्रियाँ डॉक्यूमेंट्स तैयार करके एक रैकेट चल रहा था। इस रैकेट में उसने कुछ अरेस्ट किए थे मेन मुलजिम, उसमें इसका कनेक्शन अमरिंदरपुरी है, जो कि फरीदाबाद शास्त्री कॉलोनी के रहने वाले हैं, उसका कहीं नाम आया था। उस संबंध में इन्होंने यहाँ रेड करके उसको राउंड अप किया था 20 फरवरी 2022 को। फिर उसको इन्होंने अरेस्ट कर लिया था 24 फरवरी को। उसके बाद इन्होंने डिमांड की, इसके जो चाचा है कंप्लेनेंट हमारे संदीप पुरी जी, इनसे कंप्लेंट डिमांड हुई। हाथुरगढ़ में बदमाशों का को पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं है। बदमाश आए दिन वारदातों को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। ताजा मामला बहादुरगढ़ के आसोदा टोडरन गांव से सामने आया है, जहां बदमाशों ने एक घर के बाहर एक के बाद एक कई हवाई फायर किए और घर के लोगों को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। हवाई फायर करने की वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि हथियारबंद बदमाश घर के सामने पहुंचते हैं और एक के बाद एक कई गोलियां चलाते हैं। इतना ही नहीं, गोलियां चलाने के बाद बदमाश घर के अंदर घुसने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन गोलियों की आवाज से इकट्ठे हुए लोगों की भीड़ को देखकर घर के लोगों को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये आसोदा गांव में आपस में दो पक्षों की रंजिश के चलते ये घटना सामने आई है। इसी रंजिश के पहले पता चला है कि होली के बाद में परिवार में झगड़ा हुआ था, तो उसी झगड़े के संबंध में रिटेलिएशन में ये फायरिंग की कार्रवाई हुई है। ये जो बदमाश इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे वांछित बदमाश हैं और इनके पीछे पुलिस पहले से भी लगी हुई है और इनकी अभी इनके बारे में हम लोग तलाश अभियान जारी किए हुए हैं। वैसे ये एक ही आसोदा में एक वैस्को गैंग नाम से पक्ष है, जो कि उसके सारे जो लीडर्स हैं वो जेल में बंद हैं, उसी पक्ष के दोनों संबंधित हैं एक ही पक्ष के, मगर कि जो झगड़ा हुआ था रोहिणी के आसपास और पारिवारिक झगड़े के संबंध में। और वहीं यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां लाखों की अफीम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी आशीष चौधरी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमार कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक तस्कर और एक सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पकड़े गए अफीम की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं अब तक इन तस्करों की संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका नजारा एक बार फिर गोहाना में देखने को मिला, जहां एक सालों से बंद पड़े पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने चौकीदार की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी। इस पूरी वारदात को ट्रैफिक पुलिस चौकी से 50 कदम की दूरी पर अंजाम दिया गया। वहीं चौकी में तैनात पुलिसकर्मियों को जब इसकी सूचना मिली तो तुरंत मौके पर पहुंचकर 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस को देख कुछ बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हाँ, ये फोरा चौक पर एक पेट्रोल पंप है जो बंद पड़ा है, उस पर एक भोरू राम नाम का आदमी है, खेड़ी दमकड़ गांव का। ये पिछले काफ़ी टाइम से चौकीदार का काम करता है, और आज चौक आज भी पेट्रोल पंप पर था। तो पाँच छः लड़के आए, उन्होंने इसके साथ कहा कि हमने बाथरूम करना है। उसने कहा इस प्रकार की जगह नहीं है यहाँ, इसी बात पर पास हम होगी। और भोरू राम को इन्होंने पीटा, थप्पड़ मुक्के मारे, डंडे से चोट मारी और उठा के पटक दिया। इसको हॉस्पिटल में ले गए तो उसकी मौत हो गई। मंगोलिया में चल रही सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सोनीपत के गांव नाहरी के रहने वाले रवि धैया ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इसी के साथ रवि के इस उपलब्धि पर गांव और परिवार वालों में जश्न का माहौल देखने को मिला। बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में रवि धैया ने सिल्वर मेडल हासिल किया था, वहीं रवि के परिवार वालों ने उम्मीद जताई है कि 2024 ओलंपिक में भी गोल्ड जीतकर रवि देश का नाम रोशन करेगा। देश का नाम है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल एक बार फिर इंडिया को दिलाया, क्या कहना चाहोगे रवि? ये तीन मेडल आएंगे लगातार, चार मेडल आए हैं, एक बार एशिया चैंपियनशिप में ये थर्ड आया था और ये लगातार तीन गोल्ड मेडल आए हैं। अच्छा, अभी किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि विश्व चैंपियनशिप आ रही है, कॉमनवेल्थ गेम्स अब तो ये सारे कॉम्पिटिशन लड़ेगा, तो ये कॉमनवेल्थ आ रहा है, एशिया आ रहा है, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आ रहा है और आगे ओलंपिक भी आ रहा है, पूरी तैयारी कर रहा हूँ। वहीं केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक यही कोशिश रहती है कि देश का कोई नागरिक रात को भूखा ना सोए, खाली पेट काम पर ना जाए, लेकिन सरकार ने जिनके कंधों पर गरीबों की भूख मिटाने की जिम्मेदारी दी है वो कंधे अब अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं। उन्हें इतना भी एहसास नहीं है कि वो जिन लोगों का हक मार रहे हैं वो उनके अपने ही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की स्कीमों के तहत मिलने वाले राशन को डिपो धारक विभागीय अधिकारियों की मदद से मिलकर डकार रहे। जो राशन गरीबों के पेट भरने के लिए आया था उसे बेचकर डिपो धारक अपनी जेब भरने में लगे हैं। मामला सामने आने के बाद हथीन के तीन गांव में पलवल खुफिया विभाग और सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान सैकड़ों की संख्या में अनाज से भरे हुए कट्टे मिले हैं। आप मौके पर रहे, चार पाँच घंटे लगातार कार्रवाई में है। इसमें जो बेर कुमरेड़ा की कार्रवाई चल रही है उसके माल एक्सेस पाया गया है, उसके ऊपर कार्रवाई है। पूरी एग्जैक्ट रिपोर्ट अभी आधे घंटे में थाने में रिपोर्ट होने के बाद आपको मिल जाएगी। कितना माल पाया गया और सबसे बड़ी बात ये कार्रवाई पूरी होने के बाद ही आपको मैं सूचित कर दूंगा। आरोप है कि राशन डिपो धारक ने लोगों को पर्ची थमा दी लेकिन उनके हिस्से का अनाज नहीं दिया, जिसके बाद लोगों की शिकायत के आधार पर पलवल खुफिया विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम ने संयुक्त रूप से डिपो धारक जुबेर के उन ठिकानों पर छापेमारी की जहां पर अनाज रखा हुआ था। छापेमारी के दौरान टीम को कुकर चाटी से 96 कट्टे गेहूं, 3 कट्टे नमक, 1 कट्टा चीनी, कुमरहेड़ा से 54 कट्टे गेहूं, 50 किलो चीनी अधिक मिली, 114 किलो बाजरा कम मिला। रिकॉर्ड मैच करने के दौरान टीम ने पाया कि लोगों की पर्ची तो काट ली गई है लेकिन लोगों को अनाज नहीं दिया गया, और जिन लोगों को अनाज दिया गया है उनको पूरा अनाज आज तक नहीं मिला, जिसके बाद इस मामले में हथीन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी डिपो धारक जुबेर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और मौके से पकड़े गए अनाज और अन्य सामग्री पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इससे पहले भी खुफिया विभाग और सीएम फ्लाइंग के द्वारा कई डिपो धारकों पर छापेमारी की जा चुकी है और वहां पर भी इसी तरह से भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। पलवल से हरियाणा न्यूज के लिए भगत सिंह की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, बॉक्सर विजेंद्र सिंह को कांग्रेस ने किया तलब। बड़ी खबर, प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचे विजेंद्र सिंह और विजेंद्र के आप में जाने की थी अटकलें। बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही आप ज्वाइन करने के लिए कहा गया था। मंगलवार को 12 बजे के करीब बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने आप ज्वाइन करनी थी, लेकिन अब
कांग्रेस ने तलब किया और प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचे विजेंद्र सिंह। बड़ी खबर आपको बता दें, विजेंद्र के आप में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उस बीच प्रियंका गांधी ने तलब किया है। तो दिल्ली से उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचे हैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह। विजेंद्र के आप में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी कि मंगलवार को वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी ने उन्हें तलब किया है, उन्हें बुलाया है और अब प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचे विजेंद्र सिंह। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर दिल्ली से, प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचे हैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह और विजेंद्र के आप में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। अब इस मुलाकात के दौरान क्या बात होती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक जाना माना चेहरा है कांग्रेस की तरफ से, चुनाव भी लड़ चुके हैं दिल्ली से बॉक्सर विजेंद्र सिंह। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील, जानकारी चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले खबर आ रही थी कि मंगलवार को आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह, लेकिन अब प्रियंका गांधी ने बुलाया है। बिल्कुल, देखिए इत्तेफाक की बात है कि अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने एक कंफर्म किया था और आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कंफर्म किया था कि विजेंद्र सिंह जो बॉक्सर हैं वो कांग्रेस की टिकट पर 2019 में चुनाव ही लड़ चुके हैं साउथ दिल्ली के सांसद सीट से, हालांकि उनको हार हाथ लगी और उसके बाद अब वो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करने वाले हैं। इसको लेकर पूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है और जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे, लेकिन जैसे ही ये खबर चली, खबर चलने के बाद तत्काल प्रियंका गांधी के यहाँ से कॉल आया और प्रियंका गांधी ने उन्हें बुला लिया अपने पास और अभी वो प्रियंका गांधी के साथ उनकी मीटिंग चल रही है और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में जाने की जो खबर थी उसी के तहत प्रियंका गांधी ने उन्हें कॉल किया है और अब बक्सर विजेंद्र सिंह उनके साथ मीटिंग है। हालांकि जो सूचना है उसके मुताबिक उन्हें आम आदमी पार्टी में जाने की जो सूचना है वो कंफर्म है और इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि कुछ दिनों के लिए डिले होगा, लेकिन ये सामने हो पाएगा कि क्या विजेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं या फिर कांग्रेस में ही बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बॉक्सर